आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि हम सांभर कैसे बनाते हैं, क्विक सांभर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वेजिटेबल्स को पहले से ही बॉईल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम क्विकली सांभर कैसे बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम सीधा शुरू करेंगे। कुकर लीजिए, कुकर में ऑयल, ज़रा सा ऑयल, अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2 स्पून ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे। जैसे जब ऑयल गर्म हो जाता है तो राई फूटती है, तो हम इसे फूटने का मौका देंगे। राई भी अब धीरे धीरे फ्राई होने लगी है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को थोड़ा पकने देने के बाद इसमें हम टमाटर, प्याज को धीमी कर देंगे। टमाटर को हम थोड़ा फ्राई होने देंगे। आंच धीमी रखेंगे और टमाटर को फ्राई होने देंगे। अब इसमें हम जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधी से थोड़ी ज्यादा चम्मच हल्दी, नमक आपके स्वाद अनुसार। आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं। और सांभर पाउडर 1.5 से 2 चम्मच। आंच जरा सी तेज कर दीजिए ताकि मसाला अच्छे से पक सके। इसे जब तक पकाइए जब तक टमाटर हल्का हल्का तेल नहीं छोड़ता। अगर आप अभी अगर देख रहे हैं तो इसमें शाइन हो रहे हैं, टमाटर शाइन होना शुरू कर दिए, इसका मतलब टमाटर तेल छोड़ना शुरू करते हैं। अब हम इसमें हमारे कटे हुए वेजिटेबल्स डाल देंगे। कटे हुए वेजिटेबल्स आपने ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स में देख लिए हैं। आंच धीमी कर दीजिए और इन वेजिटेबल्स को पकाइए। और इसमें ड्रम स्टिक्स भी ऐड कर दीजिए।
मसाला और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स होने दीजिए। अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे और आंच थोड़ी तेज कर देंगे। पानी वेजिटेबल्स और मसाले को अच्छे से मिक्स होने में मदद करेगा। अब इसमें हमारी तूर दाल, भिगोई हुई तूर दाल डाल दीजिए और इसे फिर से एक बार मिक्स करके आधा कप पानी, एक कप पानी, आधा नहीं, एक कप पानी ऐड कर दीजिए। इसे एक बार फिर स्टिर करके हम कुकर को बंद करके इसे 2 से 3 सीटी लेने देंगे। तब तक आप अपना इमली का पानी तैयार रखिए, क्योंकि हम इसे सीटी देने के बाद, 2 से 3 सीटी के बाद इमली का पानी डालकर इसमें हम इसे फिर से बॉईल करेंगे, फिर से फ्राई करेंगे। तो हम इंतज़ार करते हैं 2 से 3 मिनट का। अब हमने इसे 3 से 4 सीटें लगा ली हैं, कुकर भी ठंडा हो गया है, हम खोलेंगे और इसे एक बार फिर स्टर करेंगे देखने के लिए कि सब्जी अच्छे से मेल्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसमें, हम जो इमली भिगो के रखी थी मैंने इसे छान लिया है हम सांभर में डाल देंगे। इसे फिर से स्टर करेंगे और आधा चम्मच हींग डाल देंगे और इसे धीमी आंच में, हल्की धीमी आंच में, ज़्यादा धीमी नहीं, मीडियम आंच में कुछ देर के लिए पकाएंगे। हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं, बीच बीच में हम इसे फिर स्टिर करते रहेंगे, फिर इसे हम कुछ 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। दो से तीन मिनट हो गए हैं और ये काफी पक चुका ही लग रहा है, पक गया है काफी और ये हमारी सांभर तैयार है। फिर हम गैस बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, आप भी ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा और हम आपके लिए और भी कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।